गुरुवार को मंडी के कामरेड ताराचंद भवन में भवन सड़क निर्माण यूनियन की मंडी इकाई की बैठक परम राम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निर्माण मजदूर और उनके श्रमिक पंजीकरण के बारे में चर्चा की गई। बैठक संबंधी अधिक जानकारी देते हुए यूनियन अध्यक्ष ने बताया कि श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत जो लाभ मजदूरों को मिलने चाहिए वे लाभ अभी तक मजदूरों को नहीं मिल पाए हैं और उन्होंने बताया है कि 2761 श्रमिक पंजीकरण में अभी तक 800 पंजीकरण नहीं किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अपनी मांगों के मद्देनजर भवन सड़क निर्माण यूनियन द्वारा 6 जून को श्रमिक कल्याण बोर्ड के श्रम अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा। अभी तक 2761 फॉर्म हम श्रम कार्यालय को भेज चुके हैं पंजीकरण के लिए, जिनमें से 1961 पहुंच चुके हैं हमारे पास वापस, कार्ड भी आ चुके हैं। 800 फॉर्म जो हैं वो श्रमिक जो श्रम अधिकारी है उसके दफ्तर में पेंडिंग हैं। हमने पिछले 4-5 महीने से लगातार कोशिश करी है कि वो जो फॉर्म उन्होंने अपने पास रखे हैं उनका वो पंजीकरण करके कार्ड इशू करें, परंतु उनका रवैया जो है वो हमेशा टाल मटोल कर रहा है। कई बार तो उन्होंने फॉर्म लेने से मना कर दिया और मजबूरन अब हमें जो फॉर्म है वो कुरियर से भेजने पड़ रहे हैं, क्योंकि दफ्तर में वो लेने से भी मना कर देते हैं। एक तरफ तो सरकार बहुत प्रचारित करती है कि ये जो श्रमिक कल्याण बोर्ड है इससे जो निर्माण में लगा हुआ अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मजदूर है उसको कुछ सामाजिक सुरक्षा के तहत कुछ लाभ मिलने हैं, दूसरी तरफ जो विभाग है वो एकदम से उदासीन है और उसकी उदासीनता की वजह से हजारों जो मजदूर हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो निर्माण मजदूर हैं, जो भवनों के निर्माण का काम करते हैं, सड़क का काम करते हैं, नदी नालों के साथ जो दीवारें लगाने का काम करते हैं, उनको संगठित करने का जो काम है वो करते हैं, उनको संगठित करने का फैसला लिया है। और ये जो मजदूर हैं, ये कुल जो श्रम शक्ति है जो मजदूर हैं उनका 95% से अधिक है। सरकार इन मजदूरों के लिए जो श्रमिक कल्याण बोर्ड है उसके माध्यम से जो योजना बनी है उनको प्रचारित करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार कर रही है, मगर वास्तव में 2009 के बाद हिमाचल प्रदेश में जो श्रमिक कल्याण बोर्ड है उसके माध्यम से जो मजदूरों को जो लाभ मिलने थे, जो फ़ायदा मिलना था, वो अभी तक हासिल नहीं हो रहा है।